यूपीएससी की परीक्षा में झांसी के लाल ने किया कमाल, 12वीं रैंक की हासिल। झांसी के रहने वाले अनिकेत शांडिल्य ने यूपीएससी की परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि अनिकेत के पिता आलोक शांडिल्य राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं। अनिकेत की कामयाबी ने झांसी जिले के साथ पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। अनिकेत के परिवार में जश्न का माहौल बना हुआ है और उनके माता पिता बेहद खुश हैं। अनिकेत का कहना है कि मैं अपनी इस कामयाबी से अपने माता पिता और दादा दादी को श्रेय देता हूँ, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की और मैंने यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा, अपने जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मेहनत करना चाहिए, हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। ये माता पिता को जाता है और मेरे दादाजी और सारे पूर्वज एंसेस्टर्स और भगवान पे श्रेय जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रार्थना ही काम आती है, तो मुख्य तो उसी का श्रेय मैं दूंगा। संघर्ष ये रहता है कि आपको अपने को मोटिवेट करके पढ़ते रहना पड़ता है और अपना जो आपका एक ड्रीम है, एक गोल है, उसको आप चेस करना पड़ता है। सफलता जल्दी हाथ नहीं आती, तो उसमें लगे रहना और एक बैलेंस माइंड के साथ लगे रहना, हताश भी नहीं होना, अति उत्साहित भी नहीं होना, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और एक पर्पस समझना जीवन का, यही अपने आप में एक संघर्ष है। मैं बोलूँगा जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही है। मैं यही कहूँगा कि आप जो भी करें उसमें आप इस भावना के साथ करें कि समाज के कुछ तत्वों को या समाज के सभी तत्वों को आप जोड़ सके, उनके लिए कुछ कार्य कर सके। आप कोई भी कार्य करें, आप जर्नलिस्ट हो, आप एक डीएम बने, आप आईएएस हो, आप जज हो, आप पॉलिटिशियन हो, आपकी भावना यही होनी चाहिए कि आप लोगों की थोड़ी सेवा कर सके। यहाँ से शुरू करिए, फिर तो समय के साथ आप और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो यही मैं कहूँगा। क्या शुभ लाभ आप आलोक शांडिल्य, उप प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज झांसी। इतनी कठिन तपस्या है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, सबकी शुभकामनाएं हैं। किस तरह से सही हो रहा परिवार का, क्या चल रहा है? परिवार क्या है, आईएएस कठिन परीक्षा है, लंबे समय से वो संघर्ष कर रहा था, चार बार उसका नहीं हुआ, लोग मनोबल तोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग उसका मनोबल बढ़ाते रहे, वो भी ध्यान रखे रहा और मेहनत करता रहा। हमने उसको समझाया था, जीत से प्रीत मुझको हार भी उपहार है, लेकिन हार के बाद कोई भी हार अंतिम नहीं होती है, वही हार आज जीत में बदली और पूरे देश में 12वीं पोजीशन आई है, झांसी का नाम गौरवान्वित किया है, बुंदेलखंड का नाम गौरवान्वित।